देखभाल करवाती रही माँ। चलिए ठीक, हाँ फोटो आप लोग दे दीजिए, आपकी बढ़िया आएगी, खींचेंगे भी बढ़िया। दर्द हो रहा है? हाँ सर, धीरे धीरे करके दर्द दिन देखिए तो मैं ये कैंप जो है 9 सितंबर को लाला जगत नारायण संस्थापक जो पंजाब केसरी के हैं तो टीम नमस्ते के माध्यम से उनकी पुण्यतिथि के तौर पर लगाया गया है, जिसमें आज सुबह से लगभग अभी तक 7-8 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया और लगभग 2 बजे तक ये अनुमान है कि लगभग 30-35 का ब्लड डोनेशन हो जाएगा। सेकेंड ये है कि ब्लड डोनेशन का मिथ जो है कई लोगों में ये है कि ब्लड डोनेट करने पर हम एक तो वीकनेस आ जाती है, दूसरा हम कमज़ोर होने लगते हैं शरीर से, तो ये पूर्णतया गलत है क्योंकि 18 साल से और 65 साल की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति जो है 45 से 45 किलो से अगर ऊपर वजन है तो ब्लड डोनेट आराम से कर सकता है। ज़्यादातर मिथ्या है, लोगों को ब्लड डोनेट करने पे लगता है कि लोग कहते हैं गांव में और वैसे पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि कमज़ोरी आ जाती है, ऐसा कोई वो नहीं है। ये हैं अनुज कुमार, अभी तक ये हमारे यहाँ 5 से 6 बार डोनेट कर चुके हैं और मिनिमम डोनेशन का जो तिथि मतलब समय होता है 90 दिन तक। अगर आप आज डोनेट कर रहे हैं तो आज से 90 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं और उम्र के लिए 18 साल से कम आयु नहीं होनी चाहिए और 60 या 65, अब तो सरकार ने 65 साल कर दिया है कि 65 साल तक आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन आपका 12.5 होना चाहिए। ब्लड डोनेशन के फायदे ये हैं कि आपका बीपी कंट्रोल रहता है, जो आपके ब्लड में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो घट जाता है, तो इससे हार्ट अटैक वगैरह के सिम्टम्स नहीं आते हैं। और जो पुराने ब्लड जैसे ब्लड आरबीसी का जो लाइफ स्पेन 120 दिन होता है, तो कुछ ब्लड जो आप डोनेट कर रहे हैं आज नहीं कल परसों तो वो डेड हो ही जाएंगे और नए सेल्स हमारे शरीर में बनते रहते हैं। तो ऐसा नहीं आपने 1 यूनिट ब्लड दे दिया है तो कम हो गया है, अगर आप देते हैं तो हमारी बोन मैरो और एक्टिव होगी और नई सेल्स हमारे शरीर में बनेगी और किसी प्रकार की कमजोरी या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है ब्लड देने से।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।